ओके तो देखो ये रहा आपके सामने यूएमपी का चार सीक्रेट हेडशॉट सेटिंग, जिसको आप लोग अगर अच्छे से एकदम फॉलो करके रखते हो तो आपके भी यूएमपी से एकदम ओनली रेड नंबर हेडशॉट लगेंगे। एंड ये सभी टिप्स 200% वर्किंग ट्रिक्स हैं, बिकॉज देखो इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं एंड हमारे यूएमपी किंग लाइक देखो स्मूथ 444 भी इन चार टिप्स को फॉलो करते हैं एंड देन उनका यूएमपी से तकड़ा हेडशॉट लगता है। देखो अगर आप ओनली रेड नंबर हेडशॉट मारना चाहते हो यूएमपी से, तो आपको ये चार टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपके एकदम यूएमपी से ओनली रेड नंबर हेडशॉट लगेंगे। तो प्लीज गाइस रिक्वेस्ट आपसे बिल्कुल एकदम स्किप मत करना एंड बिल्कुल वीडियो एकदम अच्छे से आपको वॉच करना, ताकि एकदम ध्यान से आपको वीडियो को देखना, ताकि आपको पता लग सके आपके यूएमपी से ओनली रेड नंबर हेडशॉट कैसे लगेंगे। एंड गाइस वो वीडियो में मैंने आपको लास्ट में एक ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बताया, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट आपको टिप्स उसे बोल सकते हो, जो कि काफी ज्यादा यूनिक है एंड देखो उसे कोई भी यूट्यूबर ने रिवील वगैरह नहीं किया हुआ है, तो बिल्कुल लास्ट पार्ट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। नंबर वन देखो, अगर आप लोग परफेक्ट एकदम ओनली रेड नंबर हेडशॉट मारना चाहते हो, तो आपके पास एक परफेक्ट सेंसिटिविटी का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको तो इतना तो मतलब देखो पता ही होगा गैना फ्री फायर में कितना बेकार सेंसिटिविटी प्रोवाइड करा है। लाइक देखो आप लोग कंपेरिजन करते हो अदर गेम से गैना फ्री फायर की, लाइक देखो पबजी ले लो, फिर पबजी लाइट ले लो, तो देखो हमारे गैना फ्री फायर में काफी कम सेंसिटिविटी देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब देखो तुम अपने जितना भी सेंसिटिविटी वगैरह होता है वो ऑलवेज मतलब अपना 100 पे करके खेलना है। सो यस गाइस एक हाई सेंसिटिविटी एक बेस्ट सेंसिटिविटी होता है। ओके तो ट्रिक नंबर टू, देखो आपको अपना एम मतलब कहाँ पे रख के खेलना है, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स रहती है बंदों की, भाई हम अपना एम को मतलब कहाँ रख के ड्रैग करें जो हमारा यूएमपी से एकदम ओनली रेड नंबर हेडशॉट लगे। देखो इसका एक फंडा एकदम बिल्कुल क्लियर है, आप अपने एम को मतलब जहाँ भी रखो, आप अपने एम को देखो राइट में रखो चाहे लेफ्ट में रखो, चाहे ऊपर रखो चाहे देखो नीचे रखो, बट आपको अपने एम को एक बार ध्यान रखना है, आपका एम जो है वो कभी देखो आपका जो रेड डॉट होता है ठीक है, वो कभी भी आपका मतलब एनिमी की बॉडी पे लॉक नहीं होना चाहिए। अगर एक बार अपना एम मतलब बॉडी पे लॉक हो जाता तो वहाँ पे अपना हेडशॉट लगने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, आप एम को मतलब कितना भी आप लोग ड्रैग कर लो वहाँ पे आपका हेडशॉट बिल्कुल भी नहीं लगता है। एंड देखो बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर्स वहाँ पे बोलते हैं अपने एम को मतलब अपने बॉडी से मतलब चेस्ट से अगर ड्रैग करते हो तो वहाँ पे आपका ओनली रेड नंबर हेडशॉट लगेगा। ये ट्रिक भी देखो एकदम 200% वर्किंग ट्रिक है, बट देखो यहाँ पे आपको कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, आपको मतलब कभी भी अपने एम को बॉडी पे लॉक नहीं होने देना ठीक है। ओके देखो अपने फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप बिल्कुल क्लियर हो चुका है, एंड देखो जो अपना थर्ड नंबर स्टेप है वो बिल्कुल एकदम सिंपल है। देखो मैं बहुत से न्यू प्लेयर को देखता हूँ, अपने जॉयस्टिक पकड़ के मतलब जब भी कोई भी यूएमपी या फिर एसएमजीएन कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे मतलब वो यूएमपी के साथ साथ अपना जॉयस्टिक को कुछ ज़्यादा ही मतलब यूज़ करते हैं, जो कि बिल्कुल एकदम गलत है। एंड देखो यही सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम्स रहती है जो आपका मतलब बॉडी शॉट लगता है। देखो अगर कभी भी आपको मतलब यूएमपी से ओनली रेड नंबर हेडशॉट मारना है ठीक है, तो आपको कभी भी अपना जॉयस्टिक वगैरह को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि देखो अगर आप लोग जॉयस्टिक को अपनी यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपका एम बिल्कुल भी हेड पर नहीं जाता है एंड बहुत ही मतलब गंदा वाला पे बॉडी शॉट मतलब आपको वहाँ पे लगता है। इसलिए तुम्हें अपना जब भी मतलब फायर करते टाइम पे ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो कैरेक्टर होता है वो ऑलवेज मतलब सीधा ही खड़ा रहे, मतलब आपको देखो सीधा खड़ो के फायर करना है, तभी देखो आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी देखा होगा जब भी मतलब वो देखो ड्रैग करते थे उनका कैरेक्टर ऑलवेज मतलब सीधा ही खड़ा रहता, तभी उनका ओनली रेड नंबर हेडशॉट वहाँ पे लगता है। देखो बहुत सारे बंदे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं भाई अपना एक बेस्ट फायर बैंड का साइज बताओ, जिसपे हम लोग एक अच्छे से ओनली रेड नंबर हेडशॉट मार पाए, वन टैप वगैरह भी हमारे काफी नेक्स्ट लेवल लगे। तो देखो मैं तुम्हें एकदम बिल्कुल सिंपल से बात बता रहा हूँ, कोई भी फायर बैंड का साइज यहाँ पे मैटर नहीं करता ठीक है। अगर देखो फिर भी तुम लोग यहाँ पे करना है तो अपना SMG का अगर आप मतलब यूज करो MP40 थॉमसन या फिर UMP वगैरह, तो उसके लिए अपने फायर बैंड को आप लोग मतलब जितना छोटा करके खेल सकते हो तो उतना छोटा करके आप लोग खेलना। एंड अगर आपको देखो वन टैप के लिए बेस्ट वन टैप के लिए फायर बटन ढूंढ रहे हो तो आप लोग अपना फायर बटन को लाइक देखो मीडियम साइज पे करके खेल सकते हो, मीन देखो 50 तक आप लोग अप्रोक्स करके खेल सकते हो। ओके, तो ये तो अपना वो देखो फायर बटन। एंड अपनी जो फोर्थ नंबर ट्रिक है वो अपनी होने वाले डायरेक्शन ऑफ ड्रैग। अब देखो तब भी तुम लोग मतलब अपने फायर करते हो ठीक है, तो उसमें तुम अपनी डायरेक्शन नहीं देखते हो अपनी ड्रैग की, तुम लोग किस तरीके से वहाँ पे ड्रैग कर रहे हो। लाइक देखो सजेस्ट करो अगर कोई भी एनिमी मतलब वो राइट साइड में एम लॉक करके जा रहा है ठीक है, तो तुम लोग अपने यहाँ पे क्या करते हो अपने फायर बटन को ऊपर साइड में ड्रैग करते हो, फिर अपने तुम लोग अपने फायर बटन को नीचे साइड में ड्रैग कर देते हो, बट ये सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम्स रहती है। अगर कभी भी देखो कोई भी एनिमी राइट या फिर लेफ्ट में जा रहा है, अगर देखो एनिमी अगर राइट में जा तो आपको अपने फायर बटन को भी उसके साथ साथ राइट में ड्रैग करते हुए ले जाना है, तभी वहाँ पे आपका एकदम हेड कनेक्ट होगा। एंड अगर कोई भी एनिमी मतलब लेफ्ट साइड में जा रहा है तो आपको अपने फायर बटन को उसके साथ साथ एकदम लेफ्ट में खींच के ले जाना है। एंड लिटरली तो अगर आप लोगों ने इन चार टिप्स को तो अच्छे से एकदम फॉलो करके देख लिया ठीक है, एंड आपने हमारे प्रैक्टिस करा अपने ट्रेनिंग में काफ़ी ज़्यादा, तो आपका जो गेम प्ले वो काफ़ी ज़्यादा गॉड लेवल का हो जाएगा। SMG गन से फिर UMP गन से आप लोग मतलब कोई सी गन से बात करो आप लोग ओनली रेड नंबर हेडशॉट वहाँ पे मारने लगोगे। तो आज का वीडियो फिलहाल यहीं तक करते हैं गाइस, होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा एंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला आइकन होता है उसको जरूर पे ऑल पे प्रेस कर देना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।